गोविंदा बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक है और इनका एक शानदार फिल्मी सफर रहा है। 90 के दौर की अगर बात करें तो गोविंदा काफ़ी ज़्यादा फेमस रह चुके थे और उन्होंने 90 के दशक में जितनी फिल्में की लगभग सभी की सभी सुपर डुपर हिट भी रहीं। लेकिन मौजूदा समय में गोविंदा को कोई पूछने तक के लिए तैयार नहीं है। लगभग 2 दशकों से लगातार गोविंदा एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की राह पर है और इसी कड़ी में उन्होंने सनी देओल को फॉलो करते हुए एक बड़ा फैसला किया है। साफ शब्दों में कहें तो सनी देओल का पैंतरा अब गोविंदा आजमाने वाले हैं और उन्होंने अपनी दुश्मनी बुलाते हुए अपने फेवरेट निर्देशक डेविड धवन के साथ पैचअप करने की कोशिश की है। यहां हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सनी देओल बीते कई दशकों से लगातार एक हिट फिल्म की तलाश में थे। ऐसे में उन्होंने 22 साल पहले रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा के निर्देशक अनिल शर्मा के साथ हाथ मिलाया और उनकी फिल्म गदर 2 बनकर तैयार हुई और यह फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और इसी को देखते हुए अब गोविंदा ने भी मौका ना गंवाते हुए अपने फेवरेट निर्देशकों में से एक डेविड धवन का हाथ थामा है। होता ही है कि गोविंदा ने इंस्टाग्राम पर एक मशहूर डायरेक्टर जिन्हें वो अपनी दूसरी बीवी बताते हैं उनके साथ दिवाली मनाते हुए एक तस्वीर शेयर की है। बता दिया है कि उनके बीच में मतभेद खत्म हो गए। गोविंदा ने डायरेक्टर के साथ मिलकर 90 के दौर में कई सफल फिल्में दी हैं लेकिन एक वाक्य के बाद उनके बीच में दूरियां पैदा हो गई थी। दोनों के बीच में मनमुटाव सालों साल बना रहा लेकिन गोविंदा ने नई तस्वीर शेयर करते हुए काफी कुछ जता दिया है कि अब उनके बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं रही है। डेविड धवन के साथ ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और गोविंदा ने डेविड धवन के साथ मस्ती भरी फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 90 के दौर में मेरी 2 बीबियां थी, एक सुनीता और दूसरी डेविड धवन। वैसे गोविंदा जब अपने करियर के पीक पर थे तब उनका सबसे ज्यादा वक्त डेविड धवन के साथ ही गुजरता था और गोविंदा ने उनके साथ सबसे ज्यादा फिल्में भी की थी, इसलिए वो उन्हें दूसरी बीबी कह रहे हैं। हालांकि गोविंदा ने डेविड धवन की जोड़ी तब टूटी थी जब गोविंदा ने राजनीति छोड़कर फिल्मों में वापसी करने का मन बनाया था। वह कमबैक करने जा रहे थे तब गोविंदा ने डेविड धवन को अपने मैनेजर से ऐसी बात कहते हुए सुन लिया था जिससे उनका दिल टूट गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि डेविड धवन मैनेजर से बोले थे कि गोविंदा से कहना कि जितना दिया जा रहा है उतना काफी है, अब गोविंदा को ऐसे किरदार मिलेंगे। और ये सब सुनने के बाद इन दोनों की जोड़ी टूट जाती है। डेविड धवन के साथ रिश्ता तोड़ने के बाद गोविंदा को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा और गोविंदा की जितनी फिल्में आ रही थी सभी की सभी सुपर डुपर फ्लॉप साबित हो रही थी। इसी कड़ी में मौका ना गवाते हुए अब गोविंदा ने डेविड धवन का हाथ थामा है और माना जा रहा है कि वो भी सनी देओल की तरह बड़ा कमबैक करने की सोच रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है तो सनी देओल की फिल्म गदर 2 की तरह अभिनेता गोविंदा भी किसी बड़ी फिल्म के साथ डेविड धवन को लेकर जबरदस्त वापसी कर सकते हैं। बिल दोस्तों, फैंस भी यही चाहते हैं कि गोविंदा किसी एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बने। वैसे हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2019 में आई कॉमेडी से लवरेज फिल्म रंगीला राजा को करने के बाद गोविंदा की कोई भी फिल्म सिनेमाघरों में नहीं रिलीज हो पाई है। ऐसे में गोविंदा भी जबरदस्त वापसी करना चाहते हैं और उन्होंने सनी देओल की राह पर चलते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब उनका फैसला रंग लाता है या फिर नहीं ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय और क्या आपके हिसाब से भी गोविंदा बड़ा कमबैक कर सकते हैं या फिर नहीं, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।